कि जब देश का कोई जिला कोरोना को हराता है तब देश कोरोना को हराता है। अब प्रखंड स्तर पर भी खोले जाएंगे सामुदायिक रसोई घर। आइसोलेशन वाले मरीजों को घर पर ही मिलेगा भोजन। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 89.65%। सरकार के साथ अन्य संगठन भी राहत कार्य में जुटे। और नवादा जिले में विभिन्न स्थानों पर चल रहे सामुदायिक रसोई से लोग हो रहे हैं लाभान्वित। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब देश का कोई जिला कोरोना को हराता है तब देश कोरोना को हराता है। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड प्रबंधन के बारे में राज्यों और जिले के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान अधिकारियों ने संक्रमण की रोकथाम के अपने सफल अनुभवों को साझा किया। इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा यह है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा, मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में अब सामुदायिक किचन खोलने का निर्णय लिया है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वर्चुअल माध्यम से यह जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक किचन के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे परिवारों को उनके घर पर भोजन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना के कारण होने वाली मौतों की पुष्टि के लिए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि मौतों की पुष्टि की रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि लाभुकों को दी जा सकेगी। श्री अमृत ने बताया कि लोगों के घरों पर कोरोना संबंधित जांच के लिए आशा कर्मियों को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को कोरोना के इलाज की अनुमति दे दी गई है। परिजन भी आकर खाना ले जा सकते हैं, यहाँ से ये व्यवस्था की गई है। सभी होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं और वो खाने को इच्छुक हों तो वो पैकेटिंग कराकर उनको खाना उपलब्ध कराया जाएगा। और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, तो ये कुछ नई चीजें कम्युनिटी किचन में की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस के कुल 56 मरीज हैं, जिनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। बट एज ऑन डेट 56 केसेस आर इन बिहार, जिसमें एम्स में 24 मामले हैं, भागलपुर में एक मिला है, मेडिकल कॉलेज नारायण मेडिकल कॉलेज रोहतास में एक है, और पटना में एम्स में 24, IGIMS में 10, PMCH में 1, पारस हॉस्पिटल में 10, रूबन में 5, फोर्ड में 2, मेडिसिटी में 1 और जानकी ENT हॉस्पिटल में 1। तो अब इसके लिए भी एक नोडल ऑफिसर विभाग में डॉक्टर अंजनी को बना दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.65% हो गई है। राज्य भर में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों का लगातार टीकाकरण जारी है। प्रदेश भर में कल 18 से 44 वर्ष के 37,368 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से पटना जिले के 6 कम्युनिटी किचन का जायजा लिया और लाभुकों से बातचीत कर व्यवस्था और बेहतर करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
आमजन को राहत देने के लिए पूरे प्रदेश में सरकार के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन भी भोजन वितरण सहित अन्य राहत के कार्य में लगे हुए हैं। राजधानी पटना में चल रहे सामुदायिक रसोई में भोजन के साथ साथ बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी की गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी परमाराम ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पटना के विभिन्न स्थानों पर भोजन के साथ दूध वितरण से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, देर आपको ही बोले उसके बारे में, लेकिन वही बदल बदल कर खिलाना चाहिए। अब डेली आलू और सोयाबीन डेली यही सब्जी चल रहा है। और इसमें क्या है कि हम लोग बच्चे लोग को सभी को डेली का 500, 400, 450, 500 खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग चावल दाल सब्जी उसके साथ में दूध भी दे रहे हैं। उधर समस्तीपुर जिले में भी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक दल भी राहत कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जिले में 5 स्थानों पर कोविड केयर्स सह निःशुल्क दवा वितरण केंद्र के द्वारा लोगों की मदद कर रहे हैं। राजद विधायक अख्तारुल इस्लाम शाहीन ने बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपए की अनुशंसा भी की गई है। वहीं पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्य की लोगों ने प्रशंसा की है। ये कोरोना से मुकाबला करने के लिए जो दवाई की आवश्यकता होती है, गरीब गुरबा को काफी दिक्कत हो रहा था और जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा था, फ्री में दवाई नहीं मिल रहा था, प्लस बहुत सारे दवाई की स्कार्सिटी हो रही थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया है और उस हिसाब से हम लोगों ने शुरुआत किया है कि निःशुल्क दवा वितरण किया जाए। विधायक जी के यहाँ से हमको पता लगा है कि कोरोना का दवाई मुफ्त में मिल रहा है और ये बाज़ार में मिलता नहीं है, इसलिए हमको खूब हर्ष हो रहा है कि विधायक जी के द्वारा पता चला कि फ्री में किट, कोविड का किट बांटा जा रहा है निःशुल्क, और इस तरह के कई जगह पे इनका चल रहा है कार्यक्रम, बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। कंटिन्यू प्रयास में है कि हमारे क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत न हो, परेशानी न हो। इस कोरोना काल में जब सारे कामकाज बंद हैं, गरीब और साधनहीन लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है, ऐसे में सरकार और निजी संगठनों के लोगों के द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में लगाए गए लॉकडाउन के इस दौर में रोज कमाकर खाने वालों के सामने एक बार फिर से समस्या उत्पन्न हो गई है। बांका जिले में ये सामुदायिक रसोई जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया। वृद्ध रिक्शा चालक कैलाश साह कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण रिक्शा चलना भी बंद है, यहाँ से खाना मिलने से बड़ी राहत है। तो अभी क्या हुआ है कोरोना काल में? बैठे हैं, कुछ नहीं करा सकते, नहीं कुछ कर सकते। अपर जिलाधिकारी माधव सिंह ने कहा कि बांका जिले में कुल 11 सामुदायिक रसोई घर खोले गए हैं। इस महीने की 5 तारीख से ही ये सामुदायिक रसोई घर चल रहे हैं। बांका जिले में कुल 11 जगह पे हम लोगों का सामुदायिक रसोई भवन का संचालन किया जा रहा है। या जो असहाय हैं उन सबों को हम लोग भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो हमारा कल्याणकारी राज्य है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और समाज के हर व्यक्ति का हम आंसू पोंछ सके। जीने के लिए भोजन सबसे अहम आवश्यकता है। एक कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी करे। फिलहाल सामुदायिक रसोई के जरिए और व्यक्तिगत प्रयासों के जरिए भी लोगों की ये जरूरतें पूरी की जा रही हैं। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD News बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD News बिहार से। लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नवादा जिले में विभिन्न स्थानों पर कुल 14 सामुदायिक रसोई चलाई जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 मई से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है, जो अब 25 मई तक रहेगा। इस परिस्थिति में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार ने सामुदायिक रसोई की शुरुआत की है। नवादा जिले में विभिन्न स्थानों पर कुल 14 कम्युनिटी किचन कार्यरत हैं। वहीं दूरदर्शन संवाददाता ने जब रजौली में सामुदायिक किचन का जायजा लिया तो भोजन ग्रहण करने वालों में उत्साह था। यहाँ एक संबंधी है जी, आपको खाना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। नवादा में महादलित परिवारों की महिलाएं बच्चे सरकार द्वारा दोनों शाम भोजन मिलने पर काफी खुश थे। रजौली में भी खाना खाने आए लोगों ने संतोष जताया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ साथ कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर इस कोरोना महामारी की कठिन घड़ी में दूसरों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों में से एक है विभा देवी, जो नवादा की विधायक है। अपने आवास पर खाना बनवाकर गरीबों के बीच बांट रही है। जब दूरदर्शन संवाददाता वहाँ पहुँचे तो वे खुद ही खाना बनाती हुई मिली। विभा देवी ने बताया कि अर्जित संपत्ति अगर मानवता सेवा में नहीं लगाया तो भगवान का दिया ये धन किसी काम का नहीं है। कोरोना काल में खाना के व्यवस्था करवा दिए, भेज रहे हैं, जो हमसे माने हो रहा है उतना हम प्रयास करते रहेंगे, प्रयास कर रहे हैं। जरूरत में भोजन उपलब्ध होने पर लोगों ने विभा देवी के प्रति आभार व्यक्त किया है। 12 बजे लगभग मिल जाता है, शाम को 8 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी होता है उस टाइम मिल जाता है। कितने लोग यहाँ खाना खा लेते हैं? यहाँ कम से कम तो लगभग अनुमान लगाते हैं कि 70-80 में हो ही जाते हैं। पटना से आ रहे हैं, बहुत दूर से भूखे प्यासे थे, खाना यहाँ वितरण हो रहा था, वहीं हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। खाना देने वाले भाई को बहुत बड़ा शुभकामना हम मनाते हैं। स्टेशन पे बहुत से गरीब लोग हैं जो कि भूखे खाना नहीं मिलता, भूखे प्यासे पानी नहीं मिल रहा, उन लोगों को यहाँ तमाम लोगों को खाना दिया जा रहा है। आपदा के समय मदद के लिए बढ़ाए गए हाथ से जो अक्षय पुण्य का सुख मिलता है, वो इस कोरोना महामारी के समय मानव सेवा करके आनंद प्राप्त कर रहे लोग समाज के लिए वरदान है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र बनाने पर जोर दिया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जारी गिरावट के बीच स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.23% हो गई है। देश भर में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18,58,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना काल के दौरान नवादा जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अभियान चलाकर लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। पूर्णिया जिले में जीविका दीदियां लगातार अस्पतालों में कोविड मरीजों और उनके परिजनों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना उपलब्ध करा रही हैं। गोपालगंज जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आने लगी है, वहीं स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। मुंगेर जिले में हर दिन शिविर लगाकर एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। जांच में पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों के बीच निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयात संबंधी वर्तमान सीमा शुल्क नियम में बदलाव किया है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा रबी विपणन सीजन के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक गेहूं की खरीद की गई है। आज सुबह नेपाल में 5.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेपाल से सटे प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब देश का कोई जिला कोरोना को हराता है तब देश कोरोना को हराता है। अब प्रखंड स्तर पर भी खोले जाएंगे सामुदायिक रसोई घर। आइसोलेशन वाले मरीजों को घर पर ही मिलेगा भोजन। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 89.65%। सरकार के साथ अन्य संगठन भी राहत कार्य में जुटे। और नवादा जिले में विभिन्न स्थानों पर चल रहे सामुदायिक रसोई से लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।